पर ओआर के वैम्पायर का किल कंफर्म किया एंड रॉरिन रॉकी में कहा अकेले में कहा दलजीत ही है जो यहाँ पे बचे हैं। वहीं पे टीजे के एश गेमर ने यहाँ पे फाइनल बॉस को नॉकआउट कर रिवेंज के सोनिक भी नॉकआउट हो चुके हैं ईवो से एंड ये जो टू एंड फ्रो किल्स चल रही है ये आसान की बात नहीं। वहीं पे ईवो को यहाँ पे डोमिनेशन मिला है उन्होंने बैक टू बैक किल्स निकाली है तीन किल्स निकाली अपनी टीम के फेवर में और काफी अच्छा वो खेल रहे हैं। एचपी ने भी यहाँ पे अक्षय को किल यहाँ पे नॉकआउट कर दिया सो रिवेंज तो काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है। वहीं पे रिक्शा कुछ भी करके वो धीरे धीरे ब्लीड आउट हो रहे हैं मेरे ख्याल से अकेले प्लेयर बचे हैं यहाँ पे 420 को भी नॉकआउट किया एंड सेवन सीज के लिए एक ये जो बुरा सपना था वहाँ पे फाइनली खत्म होता है। सातवें पोजीशन पे एलिमिनेट होते हैं तीन किल्स के साथ बट फिर भी अच्छे खासे पॉइंट्स उनके पास मिल जाएंगे आठ पॉइंट्स लेकर वो रुखसत लेते हैं इस गेम से। वहीं पे अवी ने फाइनल किल कंफर्म करी वीरू की त्रिलोक को भी यहाँ पे डोमिनेशन मिला टीम टेमलाज नॉकआउट होती है छठे पोजीशन पे तीन किल के साथ उनको भी मिलेंगे पूरे 12 पॉइंट्स फिर भी उन्होंने पहली गेम में 34 कमाए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अभी भी एवरेज अच्छी है। जेनोसाइड ने काफी दूर से कोशिश करी बट वहाँ पे नॉकआउट होते मैंटीओड भी नॉकआउट हो गए। वहीं पर फाइनली एचपी ने यहाँ पे अच्छी किल कंफर्म कर ली सीजी गेटिंग द किल ऑफ त्रिलोक एंड जेनोसाइड के नूप की भी फाइनल किल कंफर्म हुई। ओआर भी जो ओआर के दलजीत है उन्होंने कोशिश काफी अच्छी करी बट 16 पॉइंट्स टोटल है उनके पास वो तीसरे पोजीशन में। राइट नाउ सिचुएशन इज 3v2 वीएसजी के तीन पे जिंदा वहीं पे गॉडलाइक के दो है बीटीसी जो हमारे कॉर्डल के कैरी है बॉर्न टू क्लच एंड उनके साथ एक और प्लेयर और सामने आते हैं सीजी ईवी सीजी ईवो सीजी एंड अवी मतलब नाम काफी दिलचस्प है यहाँ पर और बिल्कुल प्रोन होकर यहाँ पे पोजीशन की एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे थोड़े हाई एडवांटेज है। उन्होंने अभी सीजी को स्पॉट करा कि भाई थोड़ा सा वो मैप इन्फो पे खेलना चाहता है बट यहाँ पे उन्होंने स्पॉट करा और जैसी पी करने की कोशिश करे गिल ने इंस्टेंटली हेडशॉट टिका दिया यहाँ पे क्यूबीजी से और यहाँ पे 2v2 सिचुएशन आ चुका है। अब अवी और ईवो को रोटेट करना पड़ेगा अगर यहाँ पे रोटेट किया क्योंकि दोनों प्लेयर्स ने स्पॉट कर रखा है यहाँ पर जो वीएसजी के प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी हिडन है और वहीं पे नेट को करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा उनको दूर मारना पड़ेगा हवा में तभी जाकर ये किल थोड़ी पोटेंशियल किल ला पाएगा अगर नहीं थोड़ा चूक गया बट डैमेज वहाँ पे डैमेज जरूर दिया यहाँ पर और फाइनल मोमेंट से गेम में बिल्कुल बट यहाँ पे ईवो नॉकडाउन होते हुए अभी इज लास्ट मैन स्टैंडिंग बट सामने से एक फ्रेक देखने को मिला अभी यहाँ पे जोन का डैमेज लेके उनकी 40% एचपी हो चुकी है। गिल वर्सेस अभी क्या कैरी को यहाँ पे रिवाइव मिल सकता है एक या दो स्मोक बॉल यहाँ पे मेरे ख्याल से इजी रहेंगे गिल को कि उनको पहले रिवाइव दे बिकॉज वन वर्सेज वन सिचुएशन यहाँ पे अटेम्प्ट तो नहीं करना चाहिए बिकॉज बट यहाँ पे ईवो को किल कंफर्म करा अब कैरी को यहाँ पे रिवाइव मिलता हुआ नजर आएगा बट अभी को यहाँ पे एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि सामने वाले को रिवाइव ना मिले तो उसको उसके चलते वहाँ पे ग्रेनेड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है उनके साइड से क्राउच डाउन होकर भी सामने डालेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अपहिल भी गए तो कुछ भी अगर एक पिक्सल भी वहाँ पे स्पॉट हुआ गिल का या कैरी का तो भी उनके लिए एक एडवांटेज होगा बट यहाँ पे ही इज इन डिसएडवांटेज वन वर्सेज टू सिचुएशन कैरी यहाँ पे अपनी फर्स्ट एड पॉप करेगा बट एक सामने बॉल यहां पे बनाने की कोशिश करिए दोनों लेफ्ट एंड राइट एंड साइड पे बट अभी फिलहाल प्रोन डाउन है। क्या गॉडल गिल को या और गॉडल कैरी को यहां पे उनकी पोजीशन पता है कि नहीं फाइनल सर्कल यहां पे आ चुका है एंड दोनों प्लेयर यहां पे भागेंगे सामने ताकि एक प्लेयर अगर नॉकडाउन होता तो पीछे से उनको सपोर्ट देखने को मिले बट फिलहाल अभी क्या यहां पे क्लच कर सकता है लेफ्ट एंड साइड से कैरी गया गिल अभी भी वाला ट्री होल्ड कर रहा है सामने जो कि जोन में भी है एंड राइट एंड साइड से अभी मेरे ख्याल से स्पॉट डाउन हो जाएंगे अगर वो स्मोक बॉल एक बार डिसअपीयर हो जाए एक बार फेड आउट हो जाए तो कैरी इजीली वहां पे स्पॉट कर सकते बट अभी धीरे धीरे प्रोन डाउन होकर आगे आ रहे हैं बट यही पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं जहां पे कैरी डाउनहिल से स्पॉट करने की कोशिश करेंगे बट गिल यहां पे उस वाले ट्री का उनके पास कवर है अभी के पास कोई कवर नहीं। अगर वहां पे गिल ने एक बुलेट भी सामने से चलाई तो अभी का हेड वहां पे कनेक्ट होगा बिकॉज वो प्रोन है एंड कैरी के पास एक एडवांटेज रहेगा वहां पे लेफ्ट साइड से आने का बट यहां पे किल निकाला कैरी ओपी ने एंड गॉडल गॉट दैट चिकन डिनर वंडरफुल विन बाय गॉडल एंड क्या ही चिकन डिनर निकाला वाले